क्वेश्चन नंबर 21 ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए वन जीरो ए प्रूव दैट ए रेट फोर एन इक्वल टू ए रेट फोर एन एस ए रेट फोर एन माइनस वन जीरो ए रेट फोर एन फॉर आर पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर आर पॉजिटिव इंटीजर्स एन ठीक है आर पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए आपको प्रूव करना तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हैं मैंने ये आपका ए रेट फोर एन निकालना है तो पावर ऑफ मैट्रिक्स का प्रिंसिपल लगेगा ना ठीक है तो चलिए 20 होना नहीं है 20 आंसर 20 तो देखिए आपको ए रेट फोर एन फाइंड करना है ए रेट फोर एन निकालना है कंडीशन क्या है ए की वैल्यू जो आपको दिया ए वन जीरो ए ये चीज दे रहा है तो इसके लिए क्या करेगा ए रेट फोर एन अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए ना तो ए इंटू ए पहले निकाल लीजिए तो ए वन जीरो ए हो जाएगा ए वन जीरो ए ये हुआ ठीक है ना अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का टोटल हो जाएगा ए इंटू ए प्लस वन इंटू जीरो ए इंटू वन वन जीरो इंटू ए जीरो ए इंटू जीरो फिर जीरो इंटू वन प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस जीरो ए प्लस ए जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस ए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टू ए जीरो ए ये आपका ए स्क्वायर क्यूब ना ठीक है आप ए क्यूब निकाल लीजिए ए स्क्वायर खेल से ए क्यूब निकाल लीजिए तो ए तो चलिए अब इसके लिए क्या करिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ए क्यूब ए क्यूब इसको कितना होगा ए क्यूब इसको ए स्क्वायर इंटू ए ना ए स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपका ए स्क्वायर टू ए और जीरो ए स्क्वायर ए की वैल्यू रख लीजिए ए वैल्यू क्या है ए वन जीरो ए अब इसको मल्टीप्लाई करिए ना तो मल्टीप्लाई करिए कितना मिल जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए ए स्क्वायर इंटू ए और प्लस टू ए इंटू जीरो फिर ए स्क्वायर इंटू वन फिर प्लस टू ए इंटू ए है ना अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो जीरो इंटू ए और प्लस ए स्क्वायर इंटू ए फिर जीरो इंटू वन प्लस ए स्क्वायर इंटू ए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए क्यू प्लस जीरो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा जीरो सॉरी जीरो प्लस ए क्यू जीरो प्लस जीरो प्लस ए क्यू प्लस जीरो टू जीरो ए टू जीरो और जीरो टू ए स्क्वायर जीरो जीरो ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस ए टेबल कितने आ गए टेबल हो गए ए क्यू थ्री ए स्क्वायर जीरो ठीक है टेबल हो गए हैं अब इस टाइप से ए फोर निकाल सकते हैं तो हम देख क्या देख रहे हैं कि जब ए स्क्वायर आपने निकाला ए स्क्वायर निकाला है तब उसमें क्या है बताइए हैं ए स्क्वायर निकाला है तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है और टू टाइम ये है यहाँ जीरो है यहाँ ए स्क्वायर है जब तीन पावर आपने निकाला है तीन पावर तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ए पर तीन पावर हो जा रहा है यहाँ पर क्या हो जा रहा है बताओ थ्री इंटू ए पर दो पावर मैंने दो पावर मतलब ये कितना हो गया ये चीज़ को आपको जैसे ए स्क्वायर का पहले यहाँ लिख दीजिए फिर से
जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया है, चलिए इस पॉइंट को बाद में रख लीजिए, इस एक पायलट हम दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है ए स्क्वायर टू ए और जीरो ए, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर माइनस वन, है ना, जो यहाँ पावर है, ठीक है, वो यहाँ पावर है और यहाँ पर उतने पावर से एक माइनस होता है, यहाँ जीरो है, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, ठीक है। अब इस तरह से ए क्यूब देखिए क्या है, ए क्यूब की वैल्यू आपकी ए क्यूब है, थ्री ए स्क्वायर है, ठीक है, जीरो है, ए क्यूब, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, ए क्यूब थ्री एट एट फोर थ्री माइनस वन जीरो ए थ्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें, जब यहाँ थ्री पावर है तो थ्री ए थ्री माइनस वन हो जा रहा है, यहाँ पर तीन पावर हो जा रहा है, यहाँ तीन पावर हो जा रहा है, जीरो, यहाँ दो पावर है, यहाँ दो पावर, यहाँ दो पावर, यहाँ दो माइनस वन, यहाँ दो से माइनस वन, इस टाइप से जो है सिमिलरली सिमिलरली यू कैन प्रूव सिमिलरली, जैसे चार पावर निकलेगा तो क्या होगा, ये पर चार पावर हो जाएगा, यहाँ फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर माइनस वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फोर जीरो हो जाएगा, ए रेट फोर फोर ए रेट फोर, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप आगे कोई बढ़ते जाइए, फाइव होगा, यहाँ पाँच हो जाएगा, यहाँ पाँच हो जाएगा, पाँच पावर पाँच पावर, तो इस तरह से अगर एन है, एन ए रेट फोर एन अगर है तो क्या होगा, बताओ ए रेट फोर एन, एन ए रेट फोर एन माइनस वन, फिर जीरो ए रेट फोर एन, ये आपका ये हमें प्रूफ करना, ठीक है।